हरियाणा के 33वीं विधानसभा बड़ौदा में मंगलवार को उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शांतिपूर्वक जारी है। हलके के 1,80,506 मतदाता आज अपने मत का प्रयोग कर अपना विधायक चुनेंगे। इनमें से शाम 5 बजे तक 61.57% लोग वोट डाल चुके हैं। पोलिंग बूथों पर कोविड-19 को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। मतदान से पहले मतदाताओं के हाथ सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, ग्लव्स और मास्क पहनने को दिए जा रहे हैं, उसके बाद ही मतदाता वोट डाल रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग को हिस्ट्री शीटर रमेश लोहार और पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर की शिकायत की है। दूसरी ओर इससे पहले सुबह 7 बजे जब वोटिंग शुरू हुई तो हल्की ठंड के मौसम में लोग शॉल वगैरह ओढ़कर मतदान करने पहुंचे। अब आपको दिन भर के बड़े अपडेट्स भी जानने चाहिए। दोपहर 1 बजे कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और हिस्ट्री शीटर रमेश लोहार के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत दी है। आरोप है कि बाहरी क्षेत्र से होने के बावजूद दोनों मंगलवार को मतदान के दौरान मदीना गांव के 176 नंबर बूथ में अवैध तौर पर दाखिल हुए और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की। गौरतलब है कि इन दोनों पर लोकसभा चुनाव 2019 में भी बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे थे। कांग्रेस ने मामला दर्ज करवाया तो हिस्ट्री शीटर रमेश लोहार से हथियार बरामद हुए थे और उसे 3 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। दोपहर 12 बजे भाजपा जजपा उम्मीदवार पहलवान योगेश्वर दत्त ने अपने गांव भैंसवाल कलां में मतदान किया। मतदान से पहले भाजपा उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने बजरंग बली का आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हर तरफ मतदान शांति से चल रहा है। सुबह 11 बजे शामड़ी गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं के पास हैकिंग मशीन होने का आरोप लगाया गया। भाजपाइयों ने सफाई दी कि यह स्लिप निकालने की मशीन है, यह मशीन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकती। कुछ देर कहां सुनी के बाद मतदान फिर से शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हो गया। सुबह 10 बजे रिंढाना गांव में कांग्रेस उम्मीदवार इंदु राज नरवाल के परिवार वालों ने एक युवक को पकड़ा। उनका कहना है कि यह मशीन वाला व्यक्ति कहीं बाहर बैठकर लोगों के वोटों के साथ झोल कर रहा था। आपको बता दें कि बड़ौदा हल्के के उपचुनाव में लोगों में मतदान को लेकर सुबह से ही उत्साह देखने को मिला। कई बूथों पर सुबह ही लोगों की लाइनें लगी नजर आई। युवा बुजुर्ग महिलाएं व अधेड़ उत्साह के साथ बूथों पर मतदान करने पहुंचे। बड़ौदा हल्के के 54 गांवों में से 21 गांवों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इन गांवों के 65 लोकेशनों पर 151 बूथ स्थित हैं। इन गांवों में विशेष रूप से अधिक फोर्स की तैनाती की गई है और गांव के बूथों पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स तथा IRB व CISF की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। मतदान के लिए रवाना होने वाले पार्टियों को इस बार EVM व अन्य चुनाव सामग्री के साथ कोरोना से बचाव के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारी PPE किट पहनकर मतदान कराएंगे। साथ ही बूथों पर सैनिटाइजर मास्क और यूज एंड थ्रो ग्लव्स का भी प्रबंध किया गया है। यहां आपको ये भी जानना चाहिए कि 14 प्रत्याशी कौन हैं जो मैदान में हैं। योगेश्वर दत्त भाजपा, इंदुराज नरवाल कांग्रेस, जोगेंद्र मलिक इनेलो, राजकुमार सैनी लोसुपा, इंद्र सिंह राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी, सुमित चौधरी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया, सोनू चोपड़ा भारतीय जनराज पार्टी, कमलजीत निर्दलीय, गुलशन निर्दलीय, प्रवीण कुमार निर्दलीय, रामफल शर्मा निर्दलीय, शक्ति सिंह हुड्डा निर्दलीय, संत धर्मवीर चोटीवाल निर्दलीय, सरोज बाला हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।